1899 में बना है ये पुल, बहुत हैरानी की बात है। ये है भी लकड़ी का और बिल्कुल हिल रहा है ये जब मैं चल रहा हूँ, लग रहा है जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ। कैसा लग रहा है इसका? और ये टेंशन में भाई साहब सोच रहे कि घर में फोन करके बताऊं कि ना बताऊं। अब कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे पुराना पेड़। और ये हैरानी की बात है कि यहाँ पे हिमाचल की बसें ज्यादा है और बाइक खराब है। अरे इधर लोहे की चादर है ना, उससे बचने के लिए आया था। उड़ के चला है। उत्तरकाशी की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो रही है सिंगल वे का, इसको टू वे बनाया है। देखो ना बसों को भी कैसे चलना पड़ रहा है, बाइक के लिए तो बड़ी बात है। इससे वापस आ रहे हैं। इसका मंदिर है कि क्या पता चल नहीं रहा इस चीज का। और अब हम पहुंच चुके हैं सिंगटू रेंज। ये देखिए बिल्कुल सीधे सीधे खेत, पहाड़ों में ऐसे खेत मिलना वैसे। और ये एक छोटा सा शहर आ रहा है और एक पता नहीं कौन सा है। ये रूम ढूंढने आए थे पर यहाँ पर कोई है ही नहीं। हम कॉन्टेक्ट करना चाहते, ना यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, ना कोई आदमी हमें दिख रहा है। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। और ये देखिए काफी चौड़ी नदी है, पास आई थी टूरिस्टों को लेकर। काफी देर के बाद हमें एक बस दिखी इस रोड पे आते हुए। तो ये बाइक खराब है। यहाँ से आगे काफी अच्छा व्यू है, देखिए आप लोग। यहाँ रुकना है, मंदिर है। और ये देखिए एक प्लेस काफी अच्छा लग रहा है। इसका मंदिर है कि क्या पता चल नहीं रहा इस चीज का। अब कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे पुराना पेड़, कहा जाता है कि ये काफी बड़ा और पुराना पेड़ है जो कि एशिया का सबसे पुराना पेड़ है। ये चारों तरफ पौधे ही पौधे, ये बड़े बड़े पेड़ आपको दिखेंगे। काफी पुराने एक ब्रिज पे पहुंचे हैं। 1899 में बना है ये पुल, बहुत हैरानी की बात है ये। आखिर इतना पुराना पुल इसे क्यों बनाया गया होगा, इसके पीछे अब क्या राज है वो तो मुझे पता नहीं, ना कोई यहाँ मुझे आदमी मिला है जिससे मैं पूछ सकूं। है भी लकड़ी का और बिल्कुल हिल रहा है ये जब मैं चल रहा हूँ, लग रहा है जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ। और वैसे इसकी हाइट तो बहुत ज्यादा है। ये देखिए आस पास से हम तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा इस नदी के साथ साथ ही चल रहे हैं। और ये पुल काफ़ी हिलता डुलता हुआ। और ये देखिए इस पुल को इन तारों के सहारे बांधा गया है। और ये हैरानी की बात है कि यहाँ पे हिमाचल की बसें ज़्यादा है और उत्तराखंड की रोहडू जा रही है बस। अरे मैं नॉन स्टॉप चलूँगा। अरे रोड है ना अच्छा, तब नहीं लग रहा ज़्यादा थकान, नहीं तो थकते ना, क्योंकि ना कच्चे रोड पे गड्ढे देखने पड़ते राइट लेफ्ट अरे परे। और इसे है कि बस ध्यान सीधा ही आगे, बीच में थोड़ा बहुत देखना होता है। तो देखते हैं ज़रा, पेट्रोल बहुत ही पहले गया था मैं, तकरीबन 7-8 साल पहले। मुझे धीरे धीरे याद आता जा रहा है जैसे जैसे हम वहाँ पहुँचते जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे खेत लोगों के। खास बात ये है कि यहाँ पे रोड बहुत अच्छी है, बिल्कुल साफ रोड है, जिस वजह से हम सफ़र बहुत ही आसानी से काट पा रहे हैं और ज़्यादा मैं थक भी नहीं रहा हूँ ड्राइविंग के दौरान। अगर ये रोड कच्चा होता तो शायद ही इतना हम चल पाते। और ये देखिए एक छोटा सा नाला हमें मिल गया है, या नाला तक पीछे से भर चुका है ये। अब इसको मैं धीरे धीरे क्रॉस करूँगा यहाँ पे। तो अरे इधर लोहे की चादर है ना, उससे बचने के लिए आया था। ये देखिए काफ़ी हिम्मत चाहिए इस नाले को पार करने के लिए, छोटा सा कीचड़ से भरा है। अरे यहाँ पे चादर है लोहे की, तब तो मेरे को परे चायर कहाँ चढ़ना था उसमें। पर इसके जूते की दिक्कत है ना। अरे बहुत परे गया मैं, जहाँ वो ऐसे वो आया रास्ता, वहाँ भी मैं चढ़ा ऊपर कोई, तो जाना तो पड़ेगा। अब क्या करेगा, या तो इनको उठा के पत्थर रख देने चाहिए दो तीन, या मिट्टी लाल वाली ना, एक तो बस को निकलने दो। और ये देखिए एक बस आती हुई हरिद्वार श्री बद्रीनाथ। देखो ना बसों को भी कैसे चलना पड़ रहा है, तो बाइक के लिए तो बड़ी बात है। इसे ठीक है वापस आ रहा है। पेट्रोल स्टेशन आने वाला है अभी,
पकरोल अभी 30 किलोमीटर है यहाँ से। और अब हम पहुँच चुके हैं सिंगटू रेंज, जिसकी सीमा आरंभ है। ये हनुमान जी, हमने एक जगह छांटी है खाना खाने के लिए। हेलमेट को ऐसे टिकाना पड़ रहा है कि ये गोल घूमते कहीं नीचे ना पहुंच जाए। और अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे लंच करें। हनुमान जी की काफ़ी अच्छी मूर्ति यहाँ पे बनाई हुई है। काफ़ी अच्छा प्लेस है ये, छोटा सा और सुंदर सा। और ये टेंशन में भाई साहब सोच रहे कि घर में फ़ोन करके बताऊं कि ना बताऊं। अब बताना तो पड़ेगा ही। अचानक ही हमारा प्लान चेंज हुआ था, जिस वजह से हम इस रूट पे आ गए। अब हम उतराई की तरफ जा रहे हैं। अब हमारी कोशिश थी कि हम यमुनोत्री आज पहुंच जाए। यहाँ से 89 किलोमीटर है, क्योंकि अब दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है, अंधेरा जल्दी हो जाने के कारण ज़्यादा सफ़र तय करने में दिक्कत होगी। और ये देखिए आसपास का एरिया, यहाँ से आपको बर्फ़ का पहाड़ दिखेगा थोड़ा थोड़ा, और बाकी ये पूरे खेत। बहुत ही फेमस और अच्छी जगह है ये, दूर दूर तक आपको बस खेत ही खेत दिखेंगे। और नीचे एक गांव के बीच मंदिर में पूजा पाठ चली हुई है। और ये भी एक प्लेस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये देखिए बिल्कुल सीधे सीधे खेत, पहाड़ों में ऐसे खेत मिलना वैसे मुमकिन नहीं होता है। और ये सामने आपको शहर दिख रहा है, जो भी है, अभी इसका नाम मुझे पता नहीं, पर चलिए आगे से दिखा देंगे आपको। ज्यादा तो ना क्या पता यहाँ ज्यादा ठोकरे कहीं। कौन सी जगह बोली तूने जहाँ हम पहुँचने वाले? पकरोल। बड़ा दरिया आ चुका है एक, और ये एक छोटा सा शहर आ रहा है, और एक अब पता नहीं कौन सा है ये। चला है यहाँ से लेफ्ट लेना है, बोर्ड भी लगे हुए बड़े बड़े हैं। इधर लगाता हूँ थोड़ा साइड में, तू बोर्ड पढ़ फिर तब तक। दोनों साइड का पढ़ ले जरा, दूसरा कहाँ जा रहा है। उत्तर काशी की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो रही है, और अब हमें टू वे मिला। काफ़ी देर के बाद अब हम कुछ अपनी रफ्तार पकड़ सकते हैं, कुछ डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंगल वे पे ही चले हुए थे। और क्या, तभी कवर होते हैं डिस्टेंस यार, नहीं तो चले रहो उसमें धीरे धीरे, हर मोड पे स्लो होना पड़ता था। ये भी कोटखाई वाले रोड की तरह, कई बार एकदम कंजस्टेड, कई बार खुला। धूप रहने लगी तब लग रहा बहुत अच्छा, क्या चमक रहा है। और ये हम यहाँ पे रूम ढूंढने आए थे, पर यहाँ पर कोई है ही नहीं। हम कांटेक्ट करना चाहते, ना यहाँ पे कोई कांटेक्ट नंबर है, ना कोई आदमी हमें दिख रहा है, इसलिए हमें अब आगे ही जाना पड़ेगा कहीं। और रात के तकरीबन 8 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। अब इस गांव का नाम मुझे पता नहीं, पर चलो आपको बता देंगे। यहाँ टनल का दूसरा सिरा निकल रहा है, और अब हम लोग यहाँ पे खाना खाने रुके हैं। यहाँ पे हमें अपना स्टे करना है, यहाँ पे रूम के लिए हम वेट कर रहे हैं भैया का, जिन्होंने हमें रूम देना है। वो फ़ोन हमारा सुन नहीं रहे हैं, वेटिंग पे जा रहे हैं, देखने गए हैं ज़रा उनसे कांटेक्ट हो जाए अगर। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे टनल बन रही है, जो कि तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी है। फिर ये टॉप से होके नहीं आना पड़ेगा लोगों को। ओ यार बहुत होगी यार, ये तो रिस्की काम नहीं है, कटवा दें। अभी जो राइट साइड से रोड आ रहा है, हम इस तरफ से आए हैं, जो कि यमुनोत्री की तरफ भी जाता है। और अब हम यहाँ से जाएंगे स्ट्रेट गंगोत्री की तरफ। टेंट के बनाए हुए है, पर है अच्छा सिस्टम है ये। और ये आपको सामने दिख रही होगी बर्फ की पहाड़ी, जो बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे बहुत रोड बीच बीच खराब है हद से ज्यादा। ठीक इस जगह हमारी बाइक पे ये जगह थोड़ी बेंड हो गई अंदर की तरफ। ये देखिए बीच ऐसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ गिरे मिलेंगे आप लोगों को, और ऐसे कीचड़ के बीच से हम गुजरते हुए, और यहाँ पे पता ही चलेगा गहराई कितनी है। स्ट्रेट वहाँ से आए हैं, इस रोड के थ्रू हम यहाँ से होके जाएंगे इस रोड से आगे। ये जाएगा आगे गंगोत्री की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें।